सत श्री अकाल जी, एक बार फिर तो तुहाड़ी खिदमत विच हाजिर हाँ। तुहाड़ा अपना विशेष प्रोग्राम लैके, जिवें कि तुहानू पता है, इस मंच जरिए असीं गल करदे हां स्टूडेंट वीज़ा दी। स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट इस मंच जरिए तुहाडे रूबरू हुंदे ने, तुहाडे सवालों का जवाब देंदे ने, नवी जानकारी देंदे ने। सो अज भी जिहड़ा समां है 30 मिंट दा, उस विच कोशिश रहेगी वध तो वध सवालों के जवाब दिते जाण, वध तो वध जानकारी दी जाए। साई यूनिवर्सिटी तो बलजिंदर जी मेरे नाल ने, पहला स्वागत कर लिए, उस तो बाद जिहड़ी चर्चा अगे शुरू करांगे। बलजिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम देख रहे सारे व्यूअर्स नूं मेरे वल्लों ते समुची साई ओवरसीज़ दी टीम वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल। सो अज जिहड़ा विशा रहेगा चर्चा दा, उह रहेगा साइप्रस, सिंगापुर ते यूके। काफ़ी जिहड़ी क्वेरीज यूके दियां वी सी, सो कोशिश करांगे जिहड़े कुछ मिनट यूके उत्ते लाए जाण, जिहड़ी जानकारी लई जावे। सो साइप्रस तो मैं शुरुआत करांगा। सैमीनार भी किया गया, काफ़ी वधिया रिस्पोंस रहा ऑफ द ट्रैक, जिवें गल कर रहे सी, काफ़ी बच्चे आए। की हुण जिहड़े बच्चे सैमीनार तो बाद अप्लाई करनगे या बाद विच आउणगे, कोई फर्क रहेगा उन्हां दा, या वह सारिया सर्विसिज, वह सारिया फैसिलिटी, या वह सारिया जिहड़े फायदे जिहड़े सैमीनार विच बच्चों नूं दित्ते गए सी, हुण भी बच्चे लै सकणगे? देखो मेन कुलदीप जी, सैमीनार कॉन्टैक्ट करन दा रीज़न की सी, उह इह सी कि डेलीगेट्स नूं मिल के जो बच्चों की कन्फ्यूजन है, कि बच्चे अज बहुत ज़्यादा इस चीज़ के क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं, उन्हां नूं काफ़ी इनफॉर्मेशन अवेयरनैस है। कई क्लाइंट्स ये कह देंदे सर साइप्रस जाके 6 महीने बाद माइग्रेशन मिलती है, कोई कह रहा है साल बाद, कोई 2 साल बाद, कि जो कन्फ्यूजन सी वो कन्फ्यूजन मेन उन्होंने दूर करन दा एक मेन रीज़न सी। सैकेंड कि जिहड़े कह रहे उत्थे काम नहीं मिलता, काम कितनी देर बाद मिलेगा, किहड़े बच्चियां नूं काम मिलेगा और किन्ने टाइम बाद मिलेगा, और माइग्रेशन किहड़े कॉलेज दे विच मिलेगी, किहड़े कोर्स दे विच जाके मिलेगी और किन्ने टाइम दे बाद मिलेगी। ये सारी कन्फ्यूजन मेन मेरा मकसद ये सी कि डेलीगेट्स नूं, चलो सानू मिल के या साडे ऑफिस काउंसलर्स नूं मिल के बच्चा काफ़ी इनफॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन एक डेलीगेट्स नूं मिल के बच्चा प्रॉपर समझ सकता है कि मैनू वाकई साइप्रस जाण दा की बेनीफिट है। साइप्रस जिहड़े विच कॉलेज खुद बैठे हुए ने, वो कॉलेज नूं पता है कि कॉलेज दे विचों किन्ने बच्चे माइग्रेट हुए ने। सपोज मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा कि असीं मान लो कि कंडिक दे विच 500 बच्चा भेजा, लेकिन उस कॉलेज दे विच एटलीस्ट 3-4 हज़ार बच्चा स्टडी कर रहा है। सो कॉलेज नूं साडे नालों भी ज्यादा अवेयरनैस है, ज्यादा नॉलेज है कि किन्ने बच्चे आए वक्रे वक्रे एजेंट्स तों, और किहड़े बच्चे को पार्सवे प्रोग्राम लै सके और किहड़े बच्चे नहीं लै सके, और नहीं लै सके किहड़े रीजन तो नहीं लै सके कि वह बच्चे जिहड़े प्रोग्राम देख रहे साडे जिहड़े आके विजिट किए हैं उन्हां नूं प्रॉपर उस चीज़ का आंसर मिल सके जी। सो साइप्रस संबंधी जिहड़े सैमीनार समय समय उत्ते ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, होर भी आने वाले समय में इस तरह के इवेंट्स रहेंगे। तुसी इस जिहड़ा स्क्रोल किया जा रहा एक नंबर, उस नंबर के उत्ते कॉल करके सैमीनार्स बारे पूछ सकते हो, ऑफिस आना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लै सकते हो, बलजिंदर जी नूं मिल सकते हो, एक्सपर्ट की टीम नूं मिल सकते हो। हर तरह के तुहाडे सवाल का जवाब दिता जाएगा, हर तरह के डाउट कन्फ्यूजनस नूं दूर किया जाएगा। सैमीनार विच आना चाहते हो, सैमीनार संबंधी भी जानकारी जिहड़ी इस नंबर के जरिए तुसी लै सकते हो। साइप्रस हुण जिहड़े स्टूडेंट अप्लाई करनगे, किस तरह दीआं सीट्स जिहड़ियां उन्हां नूं मिलणगीआं, किस तरह के कॉलेज ने, क्योंकि जे होर किसी कंट्रीज़ की गल करते हैं तो उत्थे पहला आओ पहला पाओ के आधार पर जिवें कि कोर्स खत्म हो जाते हैं या कॉलेज खत्म हो जाते हैं, कि सेम इस तरह साइप्रस में भी होंगे कि जिहड़े पहला बच्चे अप्लाई करते हैं उन्होंने चंगे कॉलेज या चंगे कोर्स मिल जाते हैं? डेफिनेटली कुलदीप जी, तुसीं बहुत अच्छी गल कही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली गल जरूर हर एक जगह रहती है, लेकिन साइप्रस दे विच बच्चे नूं हजे कोई घबराने की लोड़ नहीं है, क्योंकि बच्चे को टाइम है, मार्च स्टार्ट होया, बच्चे को जरूर टाइम है, लेकिन तुसीं इह ना सोचना कि तुहाडे कोल बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि मई अंडेक है, लास्ट डेडलाइन जिहड़ी हैगी है वो 12 अप्रैल है, ये चीज़ याद रखना। उस तो पहले तुसी किहड़ी चीज़ जरूरी है, तुहाडी अपोस्टाइल होने डॉक्यूमेंट, तुसी अपनी PCC करवानी, अपना मेडिकल करवाना है, और अपने फंड्स रेडी करने। इस टाइम नू भी मैं कहूँगा नियर अबाउट 15 to 20 दिन का टाइम जरूर लग रहा है जी। और जे बच्चा ये सोच के बैठा रहेगा कि मैं जाके अप्रैल दे विच अप्लाई करांगा, तो जरूर उदो जाके अच्छे कॉलेजेस दी, जिहड़ी तुसी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट किया कि अच्छे कॉलेजेस दी सीटां जिहड़ियां कि फुल हो जाणगियां, फिर तुहाडे कोल ऑप्शन रहेगी जिहड़े उस तो इलावा कॉलेज ने, जिवें अच्छे कॉलेज विच मैं कहांगा CDA कॉलेज सब तो बेस्ट है, कोथम कॉलेज, अलैगजेंडर कॉलेज, लारा नक्का कॉलेज, ये कुछ कॉलेज 4-5 कॉलेज इस तरह के है जिथे बच्चा जाना खुद प्रैफर करता है, क्योंकि अज जिवें कि लास्ट प्रोग्राम विच मैं इनफॉर्मेशन दी सी बच्चों नूं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जा चुके हैं, अज बच्चे की डिमांड है कि अगर मैं साइप्रस जाना तो मैं CDA कॉलेज जाना, मैं साइप्रस जाना, मैं अलैगजेंडर कॉलेज जाना, साइप्रस जाना तो कोथम कॉलेज इस तरह मैं स्टडी करन जाना। रीज़न की है, वह रीज़न ये है कि जिहड़े बच्चे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਨ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਕ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ 3 to 4 month ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਹੌਲੀਡੇ ਈਜ਼ੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਟੋਟਲ ਮੈਂ 8 to 9 ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੈਸਟ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ 4 ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਨਦਰ ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਾਲਜ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਕ ਕਾਰਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8-9 ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ, 4-5 ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਂਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਏਜੰਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ 1 ਹੈ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਬੱਚੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 150 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਾਲਜ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਕਾਲਜ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5-6 ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਏ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਸੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ 4-5 ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੌਨ ਹੋ, ਖੁਦ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੇਲ ਡਰੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੌਨ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨਾ ਆਈ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਪਿੰਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਈਅਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 6 ਮੰਥ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ 3-4 ਕਾਲਜ ਬੈਸਟ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਉਣਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੀ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ
कुलदीप जी देखो, पहले मैं CDA कॉलेज की गल कर रहा, CDA कॉलेज के चार कैंपस है, नकोशिया च, लारा नका, जिमो लिमासोल, पाफोस च। हुण बच्चा अगर CDA कॉलेज आ रहा है, सपोज कि उन्हें नकोशिया च अप्लाई किया, उत्थे जाके उन्होंने लग रहा कि जो कैपिटल है साइप्रस की नकोशिया की, उत्थे बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ चुका, क्योंकि अज की डेट कोई TV चैनल देखो, हर एक कंसर्न तुहानू साइप्रस का मतलब तुहानू नकोशिया दे विच भेज रहा है। जिवें कि अगर तुसीं आस्ट्रेलिया जा रहे हो तो इहदा मतलब तुसीं उत्थे मेलबोर्न या सिडनी जा रहे हो, सेम एज लाइक साइप्रस जा रहे हो, नकोशिया जा रहे हो। मैं तुहानू उस तो इलावा भी सिटीज की ऑप्शन क्यों लैके आया, क्योंकि मेरे टाइअप्स होर भी कॉलेज के नाल ने जिहड़े कि होर कैंपस उन्होंने उत्थे अवेलेबल है। हुण बच्चा नकोशिया जा रहा, वह चाह रहा कि मैं अपना उत्थों जिहड़ा कैंपस है वह चेंज करना है, तो डेफिनेटली तुसीं चेंज कर सकते हो। उस तो इलावा कोथम कॉलेज, अलैगजेंडर कॉलेज, अमेरिकन कॉलेज, ये इस तरह के कॉलेज है कि अमेरिकन कॉलेज भी तुहानू होस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स अवेलेबल है, और अंबैसी के भी सब तो अच्छी रैपूटेशन अगर किसी की है तो अमेरिकन कॉलेज की है। हुण मैं तुहानू अमेरिकन कॉलेज क्यों नहीं ज़्यादा प्रैफर कर रहा, ये भी समझो। अमेरिकन कॉलेज की जी फीस है कुलदीप जी, वो 8 month की है, 8 महीने की तुहाडी फीस जाती है, उन्हों का जो अनटेक है वो 8 month है, पूरे साल की फीस नहीं जाती। हुण बच्चा जो जाता है 8 महीने तो वैसे बच्चे तो बहुत जल्दी स्पेंड हो जाते, तो वो अगली फीस अरेंज करने प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स वाई उस तो बाद अगर मैं गल करा तो CDA कॉलेज, अलैगजेंडर कॉलेज, कोथम कॉलेज बहुत अच्छे कॉलेज ने। अगर कोई बच्चा अच्छा फैमिली तो है, मीनस कि वो अच्छे पैसे अफोर्ड कर सकता है, फिर मैं कहूँगा अमेरिकन कॉलेज वाली कोई रीस नहीं है, तुसी उस कॉलेज अप्लाई करो। अगर बच्चा चाह रहा है कि मैं एक जेनुइन बजट दे विच अप्लाई करना है कि 380 या 4 lakh का मेरा बजट बजट हो, जिदे मैनू एयरपोर्ट पिकअप, अकोमोडेशन, सारिया फैसिलिटीज़ जो असी दे रहे हैं बच्चों, कि पहले तुहाडे पोस्ट हाइल के चार्जिस, तुहाडी एप्लीकेशन फीस, तुहाडी अंबैसी फीस असी पे करिए, तो तुहाडे कोल CDA कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, अलैगजेंडर कॉलेज, लारा नका कॉलेज, इस कॉलेज दे विच अप्लाई करो। होर मार्केट दे विच कॉलेज बहुत अवेलेबल है, लेकिन उनका क्रॉस चेक करो, उनकी फीस कितनी है, उनके मिसलेनियस चार्जेस कितने हैं, ये जरूर चेक करया करो, क्योंकि बच्चा इतों 4 lakh के कुलदीप जी अप्लाई करके चले जाता है, तो मिसलेनियस चार्जेस मैं बहुत हर वारी चैनल से बार बार रिपीट करता कि मिसलेनियस चार्जेस सानू उत्थे जाके कॉलेज नू पे करने पैंदे, कई कॉलेज के 800 euro तो लैके 1000 euro तक मिसलेनियस चार्जेस है। सानू क्यों तकलीफ है, क्यों सानू प्रॉब्लम है, सानू प्रॉब्लम इस करके कि वो बच्चे जिन्होंने नहीं दसया जाता है कि उत्थे जाके तुसी मिसलेनियस चार्जेस कॉलेज नू 800 तो लैके 1000 euro पे करने हैं, वो बच्चे जो वापस आते हैं वो अच्छे बच्चों भी नैगेटिव कर देंगे है, कि उत्थे जाके जी एजेंट सारे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तुहानू उत्थे जाके 1000 euro का मतलब 75,000 पे जाके तुहानू कॉलेज नू पे करना पैना है। तो अगर तुसी साई ओवरसीज़ तो कल समझना, अगर तुसी साड़ी कंपनी तो अप्लाई कर रहे हो, तुहानू उत्थे 1 rupiya कॉलेज नू देने की लोड़ नहीं मिसलेनियस चार्जेस, ये असीं तुहानू रिटर्न च लिख के देंगे, ओरली गल नहीं कि तुसी मेरे इत्थे काउंसलिंग सुनी, मेरे को आके तुसी अप्लाई किया, तो आगे तुहानू असीं चीज़ें रिटर्न च नहीं देंगे, तुहानू ये प्रॉपर काउंसलिंग पेपर से असीं रिटर्न च इंफॉर्मेशन देंगे कि जिहड़े कॉलेज तुसी साडे कोल अप्लाई कर रहे हो, तुहाडे मिसलेनियस चार्जेस जिहड़े कि कॉलेज के 800 euro है, वो इंडिया तो तुहाडे 4 lakh के पैकेज के विच साई ओवरसीज़ पे करेगी, तुहानू उत्थे जाके पैसे देने की लोड़ नहीं है। बाकी कंपनी को जा रहे हो, उनको रिटर्न लिख के दो, तुहानू कोई कंपनी 4 lakh के पैकेज लिख के नहीं देगी, क्योंकि 70,000 rupiya उन्होंने कहना तुसी उत्थे जाके पे करना है। मैक्सिमम एजेंट तुहानू इस चीज़ की अवेयरनैस, इस चीज़ की नॉलेज, तुहानू इन्फॉर्मेशन दिंदे ही नहीं। जदों तुहाडा वीज़ा लगता है उदों तुहानू दसणगे 2000 euro तुसी नाल लैके जाना, वो मैंडेटरी है, 800 तो लैके 1000 euro सर तुसी उत्थे जाके देने, क्योंकि उदों बच्चे का वीज़ा आ गया हुंदा है जी। बच्चे का वीज़ा आ गया मतलब बच्चा हुण खुश है, हुण वो हैप्पी है, हुण उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहता ठीक है यार, ठीक है कि अगर नहीं दस्या चलो मैं कॉलेज में जाके देने हैं, तुहानू बड़िया मिठिया गल्लां करके कि सर देखो आ भी बच्चा ने अप्लाई किया, इन्हों का भी 4 lakh का पैकेज है, और ये भी मिसलेनियस चार्जेस उत्थे ही दे रहे हैं, तो ओबियस है जिहड़े उस एजेंट तो बच्चे ने अप्लाई किया होगा, अगर तुहाडे मिसलेनियस उत्थे जाके तो उन्होंने भी उत्थे जाके होणगे, तो उन्होंने एक गल जरूर कहो कि सर साई ओवरसीज़ रिटर्न च इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि तुहानू कोई गुमराह ना कर सके, तुहानू कोई बेवकूफ़ ना बना सके। देखो मेरी गल कड़वी जरूर तुहानू लगेगी, लेकिन तुहाडा ही फायदा, तुहाडा ही 70,000-75,000 rupiya की सेविंग है, मेरा उहदे च कोई बेनीफिट नहीं है, मैनू उहदे च कोई प्रॉफिट नहीं है। हुण तुसीं अगर उन्होंने कहोगे कि साई ओवरसीज सर लिख के दे रहा है कि उत्थे 1 महीने की अकोमोडेशन, एयरपोर्ट पिकअप, पूरे साल की फीस, मिसलेनियस चार्जिस सब कुछ इंक्लूड है,
तो तुहानू एजेंट वो इस चीज़ की बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा तुहानू कि जी उन्हां दी फीस 6 महीने की है, मैं पूरे साल की फीस दे रहा क्योंकि ये बिजनेस गल्लां करके ही बच्चों नू कन्विंस किया जाता है तो तुहाडे कोल एक्सट्रा पैसे की ठगी की जाती है। सो उदों जाके बच्चे फिर उत्थे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वापस आते क्योंकि बच्चों को पैसे नहीं है जी। हुण जिहड़े बच्चे पैसे प्रॉपर नहीं लैके गए तो 800,000 यूरो बच्चे कॉलेज नू किस तरह पे करेंगे, वापस आएंगे तो वापस आके यही कहेंगे, ये तो कहेंगे नहीं कि साढ़े को पैसा नहीं सी, यही कहेंगे कि सानू कमिटमेंट गलत की गई उ जाके सानू बेनीफिट नहीं होया, सानू काम नहीं मिलया। सो दैट्स वाई कि जेनुअन तरीके ना असी जाइए तो मैं सारे कंसलेंट्स नू अपील करांगा कि प्रॉपर असी इन्फॉर्मेशन दच्चे बच्चों नू दे के भेजिए, दस के भेजिए कि उत्थे जाके किन्ना खर्चा है, किन्ने टाइम बाद तुहानू पिंक कार्ड इशू होएगा, किन्ने टाइम बाद तुहानू वर्किंग राइट्स मिलेंगे और किहड़े कॉलेज की किन्नी फीस है, किहड़े कॉलेज की फीस उस तो बाद 50% का वेवर मिलना है, किहड़े कॉलेज ने तुहाडे कोल नैक्सट ईयर की फीस जिहड़ी कि उन्नी चार्ज करनी है जिन्नी इंडिया तो की सी। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे के भेजांगे तो बच्चा कभी भी हरास नहीं होएगा जी। वो बच्चे जिहड़े इंटैलीजेंट ने, लायक ने, मेहनत करना चाहते ने, वधिया परफॉर्मेंस देंगे, वधिया पढ़ने की उन्हें कॉलेज बाद जो वर्क राइट्स मिलने काम दे विच मदद करेगा या किसी तरह की कोई इंटर्नशिप जिहड़ी कॉलेज वालों या प्लेसमेंट कॉलेज वालों करवाई जाएगी? डेफिनेटली कुलदीप जी, देखो मेरे को इस तरह का कॉलेज अवेलेबल है, साढ़े उस कॉलेज के नाल टाई अप है जिथे बच्चा जाएगा जिहड़ी कि पेड इंटर्नशिप जिहड़े बच्चे नू समर विच मिलती है, गर्मियों मिलती है और मई के मिलती है, मतलब कि मई अंडेक दे विच तुसीं अप्लाई करोगे तो तुहानू वो फैसिलिटी जरूर मिलेगी कि 2 महीने की होलीडेज के विच तुहानू उत्थे वो पेड इंटर्नशिप लगा के देंगे जिदे विच सैलरी तुहाडी 500 यूरो पर मंथ होएगी। लेकिन वो केड़े कंसलेंट दे टाई अप ने, ये नहीं कि मैं इन्फॉर्मेशन दी तुसी किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये चेक करो और उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन लो प्रॉपरली कि सर उस कॉलेज के नाल तुहाडे टाई अप है, अगर मैं पेड इंटर्नशिप मिलेगी किन्ने यूरो की मैं सैलरी मिलेगी और कदों मिलेगी, ठीक है, कि वह वाकई कॉलेज ने लगवा के देनी है या मैं खुद सर्च करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जरूर लो और रिटर्न दे विच इन्फॉर्मेशन लो ताकि कल नू भी तुहाडा एजेंट उस चीज़ तो मुँह करना पाए। सो साइप्रस संबंधी कोई भी सवाल तुहाडे मन में इस शो के दौरान या शो तो बाद स्क्रॉल किए जा रहे नंबर उत्ते कॉल करके सवाल साझा कर सकते हो, सारी जानकारी लै सकते हो, डिटेल दे विच हर सवाल का जिहड़ा जवाब तुसी पूछ सकते हो। परसनली विजिट करना चाहते हो साई ओवरसीज के जलंधर ऑफिस आके बलजिंदर जी मिल सकते हो, एक्सपर्ट की सारी टीम को मिल सकते हो, हर तरह के डाउट कन्फ्यूजन दूर किया जा सकता है। सिंगापुर दूजी ऑप्शन आती है एक स्टूडेंट के कोल साइप्रस तो बाद जो विदाउट आयल्स अप्लाई करना चाहता या गैप ज़्यादा जो स्टूडेंट का की कहना चाहोगे सिंगापुर के लिए कि इनटेक है तो की खास कोई जो चेंजेस आए या अज जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं की क्वेरीज ने उन्होंने? देखो कुलदीप जी, पहले गल करा तो जैन फैब दे विच काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजल्स आ रही सी, काफ़ी बच्चे मेरे तो होर रिफ्यूज होकर आ रहे सी, ता उदे च कुछ मैं कहांगा उत्थे स्टिकनेस भी हुई सी, लेकिन अज सक्सेस रेट सिंगापुर का फिर बहुत बैटर है, अच्छा वीज़ा रिस्पोंस है, तुसी वीज़ा अप्लाई करके जिहड़े बच्चे ऑलरेडी रिफ्यूज नहीं है सिंगापुर तो वो बच्चे जरूर अप्लाई करन, या जिहड़े बच्चे ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज तो रिफ्यूज़ करके पैसा खराब कर चुके हैं अपनी रिफ्यूजल लैटर नाल लैके आन, प्रॉपर मैं उन्होंने समझावगा कि सिंगापुर के किड़े कॉलेज के किड़े एजुट्रस्ट कॉलेज के उन्होंने अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दो तरह के उत्थे ऑप्शनस है, एक फस्ट कि बच्चा उत्थे 1 ईयर एजुट्रस्ट कॉलेज के अप्लाई करे, सैकेंड तुम 4 ईयर एजुट्रस्ट कॉलेज के अप्लाई करो। हूँ मैं सक्सैस रेट की गल करा किड़े कॉलेज का सक्सैस रेट बहुत अच्छा है, तुम LSBF कॉलेज अप्लाई कर रहे हो, कॉलमेन कॉलेज अप्लाई कर रहे हो, स्टाई कॉलेज अप्लाई कर रहे हो या उसैक कॉलेज अप्लाई कर रहे हो, ये कॉलेज जो 4 कॉलेज तुम मैं दसे ने सिंगापुर के बहुत अच्छे कॉलेज ने जिहड़े कि OJT 100% बच्चे दी लगवा रहे ने, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन दे विच की है कि तुसी 90% अटेंडेंस देनी है, अपना कोर्स पास करना, अगर ये दो चीज़ा तुसी कंप्लीट कर दे हो तो सिंगापुर बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है बच्चों वास्ते जिन्हां दा गैप बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिहड़े बच्चे चाहते हैं कि असी सिंगापुर जाके नाल कुछ अर्निंग कर पाइए, ठीक है मैं इस चीज़ नाल तुहाडा एग्री हाँ कि पहले 6 महीने तुहानू लीगली वर्क राइट्स नहीं मिलते, फिर भी कुलदीप जी बहुत ज़्यादा बच्चे उत्थे जाके काम करते हैं, काम करते प्रॉब्लम किनू है, प्रॉब्लम उदों है जो तुसी उत्थे प्रॉपरली काम करी जा रहे हो, क्लासेस अपनी बंक कर रहे हो, अपनी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं कर रहे, तो उदों तुहानू OJT दे विच प्रॉब्लम आएगी। सो दैट्स वाई कि मैं तुहानू कहांगा कि काम दे नाल 90% अपनी अटेंडेंस जरूर उत्थे प्रॉपर रखो,
ताकि तुहानू ओजीटी दे विच एक अच्छी सैलरी पैकेज मिल सके और तुसी अपने 2 साल की स्टडी सिंगापुर दे विच कंप्लीट करके अगर ये सोच के गए हो कि मैं उत्थे पार्थिव प्रोग्राम लैना तो तुसी अपना पार्थिव प्रोग्राम भी लै सको और सिंगापुर दे विच मैं बच्चों की हैल्प करांगा जिहड़े बच्चों ने 2 साल की स्टडी कंप्लीट कर ली है उस तो बाद उन्होंने पार्थिव प्रोग्राम लैना किसी दूसरी कंट्री अप्लाई करना तो असं उत्थे टाई अप किया होया जिहड़े कि साडा ऑफिस भी उत्थे हैगा उस परसन का तुहानू मैं कॉन्टैक्ट नंबर देंगा उस बंदे नू तुसी मिल के अपना जिस भी कंट्री का अगो फर्दर तुसी अप्लाई करना चाहते हो तुसी अप्लाई कर सकते हो सेम तुहानू उही फैसिलिटीज़ मिलनगियां जो तुहानू इंडिया तो मिली है मीनस कि तुहानू प्रोसैसिंग फीस तुहाडे कोल वीज़ा लगन तो बाद चार्ज की जाएगी वीज़े तो पहले नहीं नॉर्मली तुसी सिंगापुर दे विच हो तुसी किसी भी कंसर्न तो अप्रोच करते हो कोल जाते हो तुहानू 400 तो लैके 500 यूरो तुहानू उत्थे मिलन दे ही चार्जिस लै रहे हैं सो साडे वल्लों फ्री ऑफ कोस्ट तुहानू ये फैसिलिटी दी जाएगी सो अगर तुसी साडे कोल अप्लाई करते हो 2 साल की स्टडी तो बाद असी उत्थे भी तुहाडी बांह पकड़ांगे अगर तुसी अगे किसी दूसरी कंट्री माइग्रेट होना है अगर तुसी चाह रहे हो कि मैं सिंगापुर दे विच ही एस पास इशू करवाना है जी हम कुलदीप जी सिंगापुर दे विच 2 बच्चे कोल ऑप्शंस है एक बच्चा जिहदी 10th और प्लस 2 क्वालिफिकेशन है एक जिहड़ा बच्चा ग्रेजुएट है जिहड़ा बच्चा ग्रेजुएट है और 1 साल की स्टडी कंप्लीट करन तो बाद तुसी उत्थे अपना एस पास इशू करवा सकते हो एस पास का मतलब स्किल्ड पास और स्किल्ड पास दे विच तुहाडी स्टार्टिंग सैलरी जिहड़ी हैगी है वह 2000 सिंगापुर डॉलर है मैं नहीं कह रहा तुसी ऑनलाइन चैक कर सकते हो और जिहड़े बच्चे की क्वालिफिकेशन 10th या प्लस 2 है वह बच्चे 2 साल की स्टडी कंप्लीट करन तो बाद फिर वह बच्चा उत्थे अपना एस पास इशू करवा सकता है जी तीजा टॉपिक जिहड़ा अज दा यूके बारे गल करनी 3-4 मिनट का जिहड़ा समा बचा है किहड़े बच्चे ने जिहड़े यूके अप्लाई कर सकते हैं की शर्तां ने की गाइडलाइनस ने यूके वास्ते कुलदीप जी बच्चा विदाउट आइलेट्स भी अप्लाई कर सकता है तुसी सुन के हैरान होवोगे लेकिन वह बच्चे जिहड़े बच्चों के परसेंटेज 65% या 70% मार्क्स ने उही बच्चा विदाउट आइलेट्स यूके अप्लाई कर सकता है और इंग्लिश के विच बच्चे के 65% होने मैंडेटरी है अगर तुसी आइलेट्स नहीं की हुई तुहाडा गैप अगर 1 साल का या मैक्सिमम 2 साल का गैप है तुसी अप्लाई कर सकते हो अगर तुहाडा गैप ज़्यादा है तो प्लीज़ तुसी यूके का माइंड ना बनाना क्योंकि अगर यूके दे भी तुसी गैप दे नाल या कोई फेक डॉक्यूमेंट दे नाल यूके जाना क्योंकि यूके बहुत कमा कमा पंजाबी गए हुए अज हर फैमिली का कोई ना कोई परसन यूके हैगा सो दैट्स वाई यूके की क्रेज़ अपने पंजाबियों च बहुत ज़्यादा है यूके विदाउट आइल तुसी सुन के कहोगे कि अगर मेरा गैप है तो मैं अप्लाई करा लेकिन उस बच्चे का वीज़ा नहीं आएगा घर बैठे अपनी फाइल असैस करो कि अगर तुहाडे 65% मार्क्स है 2015-16 तुसी पास आउट हो तो दैन तुसी अप्लाई कर सकते हो अगर तुहाडा गैप ज़्यादा है तो तुसी साइप्रस या सिंगापुर जाके उत्थे 2 साल की स्टडी कंप्लीट करके दूसरे किसी भी कंट्री पार्थिव प्रोग्राम लै सकते हो जी यूके जिहड़े बच्चे हुण अप्लाई करनगे किहड़ा इनटेक उन्हां दे लई ते सक्सैस रेट किन्ना कु रहिंदा किस तरह की प्रोफाइल दे वीज़ाज़ आउंदे ने कुलदीप जी अगर मैं गल करां सक्सैस रेट दी किस तरह दी प्रोफाइल दा वीज़ा आएगा प्रोफाइल वो जिहदे 65% मार्क्स होणगे ज़्यादा गैप नहीं होएगा वो बच्चा अप्लाई करे प्लस तुहाडे फंडिंग इत्थे फाइल थोड़ी वक्री है कि तुहानू 28 दिन पुराने तुहानू फंड्स दिखाने पैणगे और फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो जरूर थोड़ी ज़्यादा है जी इस चीज़ को समझना तुहानू 17 to 18 lakh rupees तुहानू उत्थे 28 दिन पुराना तुहानू शो करना पैंदा और जेन्युइन शो करना पैंदा है अगर तुसी किसी भी तरह के फेक फंड लगाओगे कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाओगे एक्सपीरियंस फेक लगाओगे तो जे अंबैसी ने वो पकड़ लिया तो बच्चे नू उत्थे 10 साल का बैन लगेगा ये मेरी गल ध्यान सुन लेना इस करके जेन्युइन तरीके दे नाल फाइल लगाओ और प्लीज़ उस कंसलेंट तो अप्लाई करो जिन्हें लास्ट वीज़े अप्रूव करवाए हो जिमें कि तुसी साडे इस प्रोग्राम दे विच भी देखोगे तुहानू मैं यूके दे आस्ट्रेलिया दे कैनेडा दे सिंगापुर साइप्रस दे ईवन जिहड़े सिंगापुर साइप्रस साडे उत्थे बच्चे गए हुए है उन्हां दीआं भी बाइट्स तुहानू मैं दिखावांगा उस कंपनी को क्यों अप्लाई करो क्योंकि वो कंपनी को पता कि तुहाडी फाइल यूके दे विच खास करके एम्बैसी दे अगे किस तरह रिप्रेजेंट करनी है किस तरह तुहानू वीज़ा लैके देना है और तुहाडे फंडिंग किस तरह दिखानी है किस तरह तुहाडे फंड शो करने है एफडी दिखानी है तो एफडी किहड़े किन्ने पुरानी दिखानी है एफडी दे अगेंस्ट लोन नहीं होना चाहिए अगर तुहाडा लोन होया होया तो एजुकेशन लोन दे तुहाडे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर जेन्युइन होने चाहिए है इनकी एफडी दे अगेंस्ट ओडी करके तुसी अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दो या सेविंग तुसी किसी की क्रॉस जिमें कि मैं तुम्हें काफ़ी बारी समझाना होना कि किसी नाम की सेम नाम की उठा के लगा दो तो 10 साल का बैन थोड़ा डेफिनेटली तुम्हें लगेगा जी सो अगे वधन तो पहला उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स की वीडियोज़ देख लें जिन्हों का स्टूडेंट वीज़ा आया जिन्होंने साई ओवरसीज के जरिए अप्लाई किया सक्सैसफुली उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा आया किस तरह की सर्विसिज मिली की कहना उन्होंने स्टूडेंट्स का उन्होंने मुँह तो सुनते हैं हेलो सर हेलो हाय व्हाट्स योर गुड नेम माय नेम इज आशीष आशीष यू केम फ्रॉम इंडिया या ओके
ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ। ਓਕੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਮਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਵਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੈਸਿਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਵਨ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਫੈਕਲਟੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੇਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੇ ਸਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਫੀਸ ਪੇਡ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਟਸ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਪੇਡ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਓਜੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਓਜੀਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਵਨ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਜੀਟੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੁਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਓਜੀਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਜੀਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦਾ। ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਮ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੋਮਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕੌਨਵੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ, ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਐਂਡ ਕੋਲਮਨ ਕਾਲਜ ਓਜੀਟੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਕਲਿਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪੂਰਾ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਜੀਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਬਸ ਓਜੀਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਖੋਜ ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸ਼ਾਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸ਼ਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸ਼ਾਰ, ਕੋਲਮਨ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ? ਮੈਮ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਉਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਐਗਜੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਗੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਆਪ ਕਿਰਨ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਓ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨੋਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲੇਜ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਰਸਾ ਫਰੋਮ ਹਰਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਿਦਇਨ 45 ਡੇਜ਼। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਈ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੋਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਵਿਦਇਨ 15 ਡੇ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਵੀਜ਼ਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ ਸਾਈਨ ਓਵਰਸੀ, ਸੋ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਮ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਓਵਰਸੀ ਔਨ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਆਈ ਰੀਸੈਂਟ ਆਈ
मैं साई ओवरसी जलंधर तो अपना साइप्रस का स्टडी वीजा अप्लाई किया क्योंकि विद इन वन मंथ आ चुका है तो मैं होर भी सारे अपने फ्रेंड्स को कहना चाहना जे किसी ने भी किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना है तो एक बार साई ओवरसीज ऑफिस जरूर आके मिलना इन्हें जो सर्विस ने बहुत वधिया ने सो शुक्रिया धन्यवाद बलजिंदर जी शो के आने सारी जानकारी देने के लिए थैंक यू वेरी मच कुलदीप जी धन्यवाद उन्होंने सारे दर्शकों का जोड़े इस शो के लगातार जुड़े रहते हैं अपने सवाल साढ़े तक भेजते हैं नंबर स्क्रोल किया जाता है इस नंबर स्क्रोल कर मकसद यही होंगे कि कोई भी सवाल कोई भी चीज़ जी मैं नहीं पूछ सकिया या डिटेल नहीं दसी गई वो सारी जानकारी तुम इस नंबर के उत्ते कॉल करके लै सकते हो नंबर नहीं लगता मैसेज छड़िया जा सकता परसनली विजिट कर सकते हो हर तरह के सवाल का तुहाडे दा जवाब दिता जाएगा हर तरह की जानकारी तुहानू सही तरीके दे नाल प्रोपर तरीके दे नाल दित्ती जाएगी शो नू खत्म करदे आ अपने दोस्त कुलदीप नू दिओ आ गया धन्यवाद सत श्री अकाल